एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल पे। फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है, वह कॉन्स्टिपेशन। जब अर्ली प्रेगनेंसी का दौर होता है उस समय बहुत सारे डिस्कम्फर्ट एक होने वाली माँ को होते हैं और उससे उसे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको गैस बनने लग जाती है। इसके अलावा पेट में दर्द बना रहता है, मूड अच्छा नहीं रहता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती, आपको भूख नहीं लगती। तो ये हार्ड स्टूल का होना, डेली फ्रेश ना हो पाना, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम क्या आसान उपाय कर सकते हैं, कौन से टिप्स हैं जिनसे चुटकियों में इससे आराम मिल सकता है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन नहीं दिया जा सकता। तो आइए आज के वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को समझेंगे और जानेंगे। फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि पहली जो तिमाही होती है शुरू से लेके 12वें हफ्ते तक का जो समय होता है, उस समय बहुत तेज़ी से शरीर के अंदर बच्चे के विकास के लिए प्रेगनेंसी हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और ये हार्मोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे नेगेटिव टाइप से इफ़ेक्ट देते हैं। अब नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, यानी कि मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। और मसल्स का ये रिलैक्सेशन जहाँ आपके बच्चे के विकास के लिए पॉजिटिव है, आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अब क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में हम अपने डाइजेशन को कैसे बूस्ट करें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बाउल मूवमेंट भी अच्छा हो और हमारे पेट में पल रहे और विकास हो रहे बच्चे पे किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट भी ना पड़े और हमें पर्याप्त पोषण भी मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें अपने खान पान में कुछ बदलाव करने हैं और उन बदलावों को पहले समझना है कि वो बदलाव हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालेंगे। कॉन्स्टिपेशन होने पे फाइबर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब हम जानेंगे कि फाइबर्स क्या काम करते हैं। जनरली जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो लैक्सेटिव दिया जाता है। लैक्सेटिव हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, उसका रूखापन बढ़ाता है और मूवमेंट को, बाल मूवमेंट को ईजी कर देता है। तो फ्रेंड्स, फाइबर भी दो तरह के होते हैं। एक फाइबर वो होते हैं जो फलों में पाए जाते हैं, दूसरे तरह के फाइबर वो होते हैं जो कि सब्जियों में पाए जाते हैं या फिर अनाज के छिलकों में पाए जाते हैं। तो दोनों तरह के फाइबर की फंक्शनिंग बहुत अलग अलग होती है और ये फाइबर बहुत मैजिकल काम करते हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में। तो डेली 25 से 30 ग्राम फाइबर हमें अपने आहार में शामिल करना है। फाइबर के लिए हम क्या ले सकते हैं, हम फल ले सकते हैं जैसे कि एप्पल है, अनार है, एप्रिकोट है, जो भी फल आपके प्लेस पे उस समय में, उस सीज़न में अवेलेबल हैं, फ्रेश फ्रूट्स, आप उन फ्रेश फ्रूट को लीजिए। अवॉइड कीजिए जूस को लेना, क्योंकि जब आप जूस लेते हैं तो आप फाइबर को निकाल देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप फ्रेशली होल फ्रूट को आप कंज्यूम करें। तो फ्रूट का फाइबर आपके सोल्युबल फाइबर्स देता है और उससे आपके डाइजेशन में एड ऑन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं सलाद की और सब्जियों की। तो सलाद और सब्जियों में बहुत रूखा फाइबर पाया जाता है जो कि पानी के में ना तो घुलता है और ना ही वो पानी को अब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हमारी छोटी आंत में फर्मेंटेशन होता है गट बैक्टीरिया के थ्रू, तो वहाँ पे ऑयली सब्सटेंस डेवलप होते हैं। फ्रेंड्स, सब्जियों में और होल ग्रेन्स में जो फाइबर पाया जाता है वो ना तो पानी अब्जॉर्ब करता है ना तो पानी में सोल्युबल होता है। तो जब वो छोटी आंत तक पहुंचता है तो उसके फर्मेंटेशन से बैक्टीरिया ऑयल डेवलप करते हैं, ऑयल बनाते हैं और वो ऑयल हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए मोशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही आपको प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास। इसके अलावा आप जितने भी होल ग्रेन खा सकते हैं उसको लीजिए, जो भी रिफाइंड फ्लोर हैं उनको आपको समय यूज़ नहीं करना चाहिए, वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप ओट्स खा सकते हैं। साथ ही खाना खाने का तरीका भी आपको बदलना चाहिए। आप जो भी मील लेते हैं उसको 5 से 6 टुकड़ों में बांट लें और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक साथ हैवी मील आपको उस समय नहीं खाना है। तो अगर इन 4-5 टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम आपको कॉन्स्टिपेशन की ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो फेज़ आपका बहुत खुशी खुशी बीत जाएगा।